नमस्कार दोस्तों, वाहन भंडार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबके लिए एक मेजर डीआई है ये जीप लेके आया हूँ और ये दुनिया की आखिरी जीप है जो कि महिंद्रा द्वारा ही बनाई गई थी। उसके बाद कोई भी जीप नहीं बनी है किसी कंपनी द्वारा, आखिरी जीप है। और इस गाड़ी के बारे में बताऊँ तो ये CL550DI है। चलिए इस गाड़ी के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो सामने से इसमें आपको हेडलाइट देखने को मिलेंगी, गोल हेडलाइट, बड़ी हेडलाइट हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इसकी ग्रिल देखेंगे, ये 7 फेसेस के साथ आती थी ये ग्रिल। शुरू से आखिरी तक जब तक महिंद्रा ने बनाई है तब तक इसी में दिया है। उसके बाद आप स्टेयरिंग देखेंगे नीचे इसकी, तो स्टेयरिंग रॉड है इसकी जो कि ड्राइवर दिखा रहे हैं अब भाई। ये इसके ड्राइवर हैं जो जा रहे हैं और ये सादी स्टेयरिंग के साथ ये गाड़ी आती थी और सिंपल टायर, पतले टायर के साथ। अब चलिए इंजन के बारे में बताएं तो इंजन इसका 4 सिलेंडर इंजन आता था इसका, जो कि सादा इंजन होता था, नॉन टर्बो इंजन है इसका। इसे आप उठाइए और ये इंजन, इसका बोनट खुल जाता था। हो गया चाचा, हो गया कौन देख ला, दिखा जी ये इसका इंजन है। वाटर कूल्ड इंजन के साथ आती थी ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं, वाटर कूल्ड इंजन। ये इसका एयर क्लीनर और ये गाड़ी आज भी ओरिजिनल है। इंजन का काम हुआ है चाचा कि नहीं? नहीं, इंजन का काम हम तो नहीं कराए हैं, पापा कराए थे, है ना जी, पिताजी हमारे लिए थे, हम तो नहीं कराए हैं जी। और ये इसकी स्टेयरिंग देखेंगे आप यहाँ पे, ये सिंपल स्टेयरिंग के साथ है ये गाड़ी और यहाँ पे ये बैटरी यहाँ पे लगती थी। चलिए अब अंदर से दिखाते हैं और बताना शुरू करते हैं अंदर से इस गाड़ी के बारे में। तो ये आप इसकी स्टेयरिंग देखेंगे, सिंपल स्टेयरिंग है। यहाँ पे आप चाबी लगा सकते थे, ऑफ एसी, ऑन, स्टार्ट, ये इसकी चाबी लगाने की। और ये सब इसके फंक्शन है, लाइट ऑन ऑफ ये सब। अंदर से आए तो ये देखिए इसके मीटर लगे हुए हैं, ये मीटर है, ये काफ़ी दिन से गाड़ी चल नहीं रही है। ये गियर लीवर, 3 गियर इसका सबसे ज़्यादा है और उसके बाद ये रिवर्स। और ये यहाँ पे आप कुछ सामान रख सकते हैं, इसके डॉक्यूमेंट पेपर। और इस शीशे को भी आप वापस घुमा के खोल सकते हैं, ये देखिए यहाँ से इसे आप इधर से उधर से खोल के शीशे को नीचे साइड पलटा सकते हैं उस साइड। तो ये एक एक्सयूवी है और इसी के, ये जो चेचिस है इसी में ही महिंद्रा थार भी बनी है। महिंद्रा थार का कोई अलग से डिज़ाइन नहीं हुआ है, इसी चेचिस में, इसी बॉडी में महिंद्रा थार का भी डिज़ाइन किया गया है। चलिए अब इधर से दिखाएं तो इधर से ये सिंगल डोर के साथ आती थी ये एक्सयूवी और बहुत ही अच्छी और बहुत ही ताकतवर होती थी। ये रेयर व्हील ड्राइव के साथ है, रेयर के साथ। इसके साथ एक और मॉडल आता था जो कि आपको सरकारी जगहों में चलने वाली जीप गाड़ियों में देखने को मिलेगा, इसका टॉप मॉडल जो कि 4 व्हील ड्राइव के साथ आता था। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।